हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने अपना जी लाइसेंस कनाडा में आते ही विद इन 2 वीक्स कैसे ले लिया। तो जी लाइसेंस होता है फाइनल लाइसेंस। तो अगर आपको पता करना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंस क्या कौन से होते हैं और उनका क्या प्रोसेस है, तो वो आप मेरी पुरानी वीडियो देख ले, वो इधर कहीं मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो अगर मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंस होते हैं G1, G2 and G इन फॉर द स्टेट ऑफ ओंटारियो, बिकॉज ईच प्रोविंस हैव देयर डिफरेंट रूल्स। तो आज हम ओंटारियो की बात करेंगे और जी लाइसेंस की बात करेंगे, जो है फाइनल लाइसेंस। तो अगर आपके पास जी लाइसेंस है तो आपकी इंश्योरेंस भी सस्ती हो जाएगी, आप हर तरह की गाड़ी चला सकते हो। लेकिन आप बड़ी गाड़ी लाइक ट्रक्स नहीं चला सकते, लेकिन आपके ऊपर कोई रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, तो आप एक फुल फ्लेश ड्राइवर माने जाते हो। तो हर कोई चाहता है कि उसके पास जी लाइसेंस आ जाए। तो वो कैसे आप लाइक कनाडा में आती कैसे प्राप्त कर पाओगे, तो आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। सो टिप नंबर वन, अगर आपको लगता है कि आपने इंडिया में बहुत सारी गाड़ी चलाई है और आपको पता है कि कनाडा में गाड़ी चलानी थोड़ी आसान है, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि कनाडा में अगर ड्राइविंग ईजी है, बट यहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे इतने रूल्स हैं ड्राइविंग के रिलेटेड कि आपको उसकी थ्रूआउट स्टडी करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे स्टॉप साइन होता है, लेफ्ट टर्न का अलग रूल है, राइट टर्न का अलग रूल है, यील्ड देना पड़ता है पेडेस्ट्रियन को और ऑनगोइंग ट्रैफिक को। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो अगर आप इंडिया से आते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक ड्राइवर ट्रेनिंग कोर्स जरूर करें, लाइक आप इंस्ट्रक्टर से थोड़ी सी ट्रेनिंग लें। इससे आपका थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन आपको रूल्स का पता चल जाएगा। मैं कनाडा में आता तो मैंने 3 दिन का ड्राइवर से ट्रेनिंग ली थी इंस्ट्रक्टर से। तो उसने मुझे कह दिया था कि वी आई एम प्रिपेयर्ड, सो मैं टेस्ट के लिए प्रिपेयर था और मैं टेस्ट देने के लिए चला गया था। तो मुझे जी मिल गया फर्स्ट अटैम्प्ट में। क्योंकि अगर आपको जी नहीं मिलता फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आपको अगर आप सीधा इंडिया से दे रहे हो आकर टेस्ट दे रहे हो G1 के बाद जी, तो आपको फिर G2 पे जाना पड़ेगा, फिर आपको जी पे जाना पड़ेगा, तो जो कि आपका मनी एंड टाइम दोनों वेस्ट करेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा ही ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और पूरी ट्रेनिंग लेकर ही ड्राइव टेस्ट के लिए जाए। सो प्रैक्टिस अलॉट एंड अवॉइड स्मॉल मिस्टेक्स, ये मेरी टिप है। सो सेकेंड टिप है कि आप वो टेस्ट लोकेशन चूज करें यहाँ पे आपका हाईवे की लिमिट हो 80 या 70 और वो 2 लेन हाईवे हो। जैसे कि अगर आप ब्रैम्पटन में आते हो और मिसिसागा के ये GTA एरिया में आते हैं, तो आप अगर यहाँ पे देते हो टेस्ट, तो आपको 400 सीरीज हाईवे पे चलाते हो। 400 सीरीज हाईवे में लाइक 4 लेन्स होती हैं यहाँ पे, और इतना ज़्यादा कंजस्टेड होता है कि यहाँ पे लाइक इतने ज़्यादा सिनेरियोस बन जाते हैं कि फेलियर के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है, आपको लेन चेंज करने के लिए कहेंगे, पीछे से इतनी तेज गाड़ी आएंगी कि आपको कोई भी मिस्टेक हो सकती है, जिससे आपका टेस्ट कैंसिल हो सकता है, आप फेल हो सकते हो। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यहाँ पे आते तो आप लाइक डिफरेंट लोकेशन चूज करें। जैसे कि यहाँ पे है गल्फ है, ऑरेंजविल है, लंदन है, यहाँ पे डबल लेन हाईवे जिसकी स्पीड लिमिट है 70 या 80। तो अगर आप इन पे जाते हो तो यहाँ पे जाते हो टेस्ट देने, तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं पर्सनली गल्फ लोकेशन में गया था, यहाँ पे मेरा टेस्ट क्लियर हो गया था। लेकिन मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिनका गल्फ में भी टेस्ट क्लियर नहीं होता, तो क्योंकि वो प्रैक्टिस करके नहीं गए थे। तो प्रैक्टिस करें और टेस्ट लोकेशन ऐसे चूज करें यहाँ पे लाइक हाईवे हो जो कि स्पीड लिमिट जिसकी कम हो। थर्ड है कि आपका टेस्ट टाइम आप कौन सा चूज करते हो। टेस्ट टाइम आपको चूज करना चाहिए यहाँ पे पी कार्स ना हो। सो पी कार्स में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अर्ली मॉर्निंग लाइक 8 to 9 का स्लॉट बुक कर ले। क्योंकि ज्यादातर लोग सुबह चले जाते हैं कहाँ पे कनाडा में, लाइक अर्ली मॉर्निंग लाइक 7 or 8 में चले जाते हैं। तो आपका अगर 9 बजे टेस्ट शुरू होता है, 9:30 शुरू होता है, तो वो आपके लिए अच्छा है। लाइक आप 8 से लेकर 12 बजे तक का कोई भी स्लॉट बुक कर लो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि उससे पहले ट्रैफिक चला जाता है, जो जिन्होंने काम पे चला जाता है, तो आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। और अगर आप 12 बजे के बाद का बुक करते हो टाइम स्लॉट, तो लाइक वो स्कूल का टाइम होता है, स्कूल एंड का, तो वहाँ पे स्कूल में जब छुट्टी होती है तो स्कूल बस चलती है, बहुत सारा ट्रैफिक बढ़ जाता है। और स्कूल बस के अगर आपके आगे स्कूल बस लग गई, आपने छोटी सी भी गलती कर दी, उसके लिए आपको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी और आपका टेस्ट स्ट्रेट अवे फेल हो जाओगे आप। क्योंकि स्कूल बस के रिलेटेड यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो इसीलिए जब भी स्कूल टाइम हो तब टेस्ट ना बुक करें। तो टेस्ट टाइम हमेशा बुक करें अर्ली मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून बिफोर 12। 4 टिप है कि आप हमेशा वेदर देख के टेस्ट बुक कराएं।
जैसे कि अगर यहाँ पे रेन हो रही हो तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी ड्राइव टेस्ट देने में, और अगर स्नो पड़ रही हो मोस्टली वो स्नो में टेस्ट कैंसिल कर देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ सिनेरियोस वो टेस्ट नहीं कैंसिल करते। तो आपको अगर स्नो में देना पड़ता है लाइक स्लिपरी रोड्स होती हैं तो आपके लिए फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं, तो हमेशा वेदर देख के ही टेस्ट बुक कराएं। सो अगली टिप है कि आप कभी भी अंडर प्रेशर टेस्ट ना बुक करें। सो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप टेस्ट ना बुक करें, आपको इंस्ट्रक्टर कहेगा कि आप रेडी हो, आप टेस्ट दे सकते हो और आपका टेस्ट बुक कर देगा। लेकिन अगर आपके अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आप मत करें टेस्ट बुक, क्योंकि इंस्ट्रक्टर का कुछ नहीं जाएगा, आप जाओगे टेस्ट देने। आप अगर फेल हो गए तो इंस्ट्रक्टर को तो पैसे बन गए, उसके लाइक $250 बन जाएंगे, $250, तो आपका टाइम एंड मनी तो वेस्ट हो गया ना। और आप फिर से उससे ट्रेनिंग लोगे, उसके अलग उसको पैसे दोगे, फिर से टेस्ट बुक करोगे उसके अलग पैसे दोगे, और फिर से आप इंस्ट्रक्टर के साथ जाओगे जो उसके लाइक $250 फिर से वो ले लेगा, तो आपका आराम से $800 से $900 लग जाएगा, और टाइम भी वेस्ट होगा और मनी भी वेस्ट होगी। तो हमेशा जब तक अंडर से कॉन्फिडेंस ना आए आप टेस्ट ना बुक करें, और टेस्ट अंडर प्रेशर कभी टेस्ट ना दें। नेक्स्ट है गाड़ी कौन सी आप टेस्ट के लिए चूज़ करें। हमेशा गाड़ी लाइक न्यू कार चूज़ करें, और अगर आप इंस्ट्रक्टर की गाड़ी लेकर जाते हो वो बेनिफिशियल तो होती है, लेकिन उसके एग्जामिनर के पैर में ब्रेक होती है। तो अगर आप कभी ब्रेक लगाने वाले ही होते हो लेकिन एग्जामिनर को लगा कि आप नहीं लगाने वाले, वो खुद से ब्रेक लगा देगा, तो आपका टेस्ट वहीं से स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाएगा। तो आप लाइक अगर आप अपने फ्रेंड की गाड़ी लेकर जा रहे हो तो आई वुड रिकमेंड दैट, लेकिन आप एग्जामिनर की गाड़ी लेकर जा रहे हो तो आप देखना कि एग्जामिनर के पास कौन सी गाड़ी है, तो कंडीशन गाड़ी की जरूर चेक करना कि गाड़ी अच्छी कंडीशन में हो। और आप हमेशा ही जब भी एग्जामिनर से टेस्ट की कोचिंग लोगे, गाड़ी का हर फीचर आप अच्छे से समझ लें कि गाड़ी कैसे पार्क करनी, कैसे इंडिकेटर चलती, कैसे लाइट्स ऑन करती है, सब कुछ, क्योंकि आपको नहीं पता उस टाइम कौन सा सिनेरियो आ जाएगा और आपको वहाँ उसके सामने आप फुलिश ना लगे। तो गाइस ये थी मेरी टिप्स आप जी कैसे ले सकते हो। तो मैंने अपना जी लेने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने 3 क्लासेस ली थी और उसके बाद मैं इंस्ट्रक्टर की गाड़ी में ही गया था टेस्ट देने, लेकिन मैं बहुत ही कोशिश होकर गाड़ी चलाई थी और मेरा बाय गॉड्स ग्रेस की मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो अगर आप भी ये टिप्स फॉलो करोगे जो अगर मैंने आपको बताई है, तो होपफुली आपका भी टेस्ट क्लियर हो जाएगा और आप भी जी लाइसेंस ले पाओगे, जिसके बाद आप आसानी से गाड़ी चला पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।